94 लाख की लागत से बने हाई स्कूल का लोकार्पण करने विदिशा सांसद रामाकांत भार्गव खातेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सादगी का परिचय देते हुए बच्चों व किसानों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन भी किया। देखें इस रिपोर्ट में। अक्सर अपने सादगी भरे अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले विदिशा सांसद रामाकांत भार्गव खातेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने 94 लाख की लागत से बने हाई स्कूल का लोकार्पण करने के साथ ही 11 पंचायतों के सैकड़ों किसानों को वन अधिकार पट्टों का वितरण किया। इतना ही नहीं, सांसद जी एक बार फिर अपने सादगी भरे अंदाज में स्कूली बच्चों और किसानों के साथ जमीन पर बैठ गए और खाना खाने लगे। जरा आप भी देखिए सांसद जी का ये अनोखा अंदाज। वहीं किसानों और बच्चों के साथ भोजन करने के बाद किसान आंदोलन को लेकर सांसद भार्गव ने कहा कि प्रदेश का किसान तीनों कानूनों के साथ है। कार्यक्रम 15 दिसंबर का दिन है, सिद्धे अटल जी की जन्म दिवस है। आज के जन्म दिवस के अवसर पर गांव में 73 आदिवासियों को जो 2005 के पूर्व से जमीन जोतने का काम कर रहे हैं, उनको पट्टा देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और उस पट्टा वितरण में हम और विधायक जी दोनों का ओमकारा में हाई स्कूल भवन का लोकार्पण किया है और बच्चों को समर्थन किया। प्रधानमंत्री ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का किसान तीनों मध्य प्रदेश का किसान जो तीनों संसदन मिल सदन में पास हुए हैं, लोकसभा में पास हुए हैं, उनके साथ हैं। जो गए होंगे मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे हिसाब से वो किसान नहीं है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ ही क्षेत्रीय रहवासियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।